वहीं वर्षा काल में डेंगू की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने महाअभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। विशेषकर डेंगू रोकथाम के कार्यों की धरातलीय निगरानी के लिए जिला स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिलाधिकारी सोनिका ने 33 अधिकारियों को निगरानी के लिए अलग अलग वार्ड आवंटित किए हैं। ये अधिकारी नियंत्रण कार्यों की दैनिक रिपोर्ट जिलाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। जिलाधिकारी सोनिका ने आदेश जारी कर कहा कि डेंगू नियंत्रण महाअभियान के दौरान प्रत्येक आशा कार्यकर्ती, आशा फैसिलिटेटर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, नगर निगम सेनेटरी सुपरवाइजर अपने निर्धारित क्षेत्रों में प्रतिदिन 50 घरों में डेंगू निरोधात्मक कार्रवाई करेंगे। एमओ साहब भी यहाँ पे हैं और एक हमें ऑफिशियली भी जो हमारा डेटा आया हुआ है उसके क्रम में हमारे द्वारा चालान की कार्रवाई की जा रही है। करीबन 75,000 प्लस हमारे चालान, 75,000 रुपए का चालान हमारे द्वारा किया गया है। उसके अलावा जो हमारी लार्वा का जो हम लोग डोर टू डोर सर्वे करते हैं वहाँ पे कुछ संवेदनशील एरिया जैसे ननखेड़ा हो गया, बंगाली कोठी हो गई, नेहरू ग्राम हो गया, यहाँ पे जा जाके हमारी टीम करीबन 14 एरिया हैं जो संवेदनशील है वहाँ पे हमारी टीम जा जाके इंस्पेक्शन कर रही है और लोगों को भी अवेयर कर रही है कि जो पानी भर जाता है तो उसको उसका उसको निकाल दिया जाए, भरने ना दिया जाए जिससे कि लार्वा ना पैदा हो उसमें और जो डेंगू का मच्छर है उससे बचा जा सके। ऋषिकेश में भी इसी तरह से करीबन 8 संवेदनशील एरिया है जो हमारे द्वारा चयनित किए गए हैं जहाँ पे लार्वा मिला है इसलिए उसको हम संवेदनशील कह रहे हैं उस क्लस्टर को और हमारी टीम जा जाके लोगों को वहाँ भी अवेयर कर रही है। इसके अलावा भी सभी से मेरी यही अपील रहेगी कि पानी इकट्ठा ना होने दें। जैसे ही बरसात होती है उसके बाद आपके जो गमले होते हैं जो नीचे जो सौसर जो उनके नीचे रखने का होता है या आपके कूलर्स हो गए या आपके गमले हो गए उनमें पानी भर जाता है और वो पानी जब धूप आती है बरसात के बाद और कुछ समय तक अगर धूप रहती है तो लार्वा पनप जाता है और उसके बाद डेंगू के मच्छर हो जाते हैं। तो सब लोग अपने घर में कम से कम 1 या 2 दिन हफ्ते में पानी सफाई कर दें जिससे कि ये जो डेंगू का मच्छर है वो ना पनपे। करीब 1800 कंटेनर को लाभ मिला है।